Click on the bell icon to watch our latest videos. अच्छा अभी बात करते हैं गणेश जी के रूप के बारे में जी. उनका हाथी सर है, उनका हाथी सर है. दूसरे लोगों को शायद ये भारत के जो बाहर लोग रहते हैं उनको शायद ये ऑड लगे कि सिर्फ हाथी सर कैसे आ गया. उनका चूहा वाहन है, वो इतने बड़े से और वो बेचारा छोटा चूहा कैसे वो सिंबलिज्म क्या है, उनके सिंबल्स बाकी सब भगवान से इतने अलग कैसे हैं जी. तो गणेश जी का काम है बेसिकली बहुत अलग अलग विचारों को जोड़ना. और इसमें क्या होता है कि गणेश जी एक तरफ यू नो इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लक्ष्मी, धन दौलत के साथ तो लक्ष्मी, और ज्ञान के साथ भी जुड़े हुए, सरस्वती के साथ जुड़े हुए हैं. अगर हम गणेश जी की पत्नियां देखें तो एक तरफ रिद्धि सिद्धि हैं, एक तरफ रिद्धि हैं, एक तरफ सिद्धि हैं. तो रिद्धि इज एसोसिएटेड विद लक्ष्मी, धन दौलत, और बुद्धि और सिद्धि इज एसोसिएटेड विद सरस्वती और नॉलेज. तो उनकी जो चिन्ह है इज सिंबल ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो जैसे हाथी होता है, एक तरफ हाथी धन का सिंबल है, यू नो, सो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एनिमल. तो धन उसके साथ जुड़ा हुआ है, पावर उसके साथ जुड़ा हुआ है. लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हाथी का जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सरस्वती के साथ जुड़ा हुआ है. सो इट इज़ बोथ लक्ष्मी एंड सरस्वती. उनका जो तोंद है, बड़ा पेट है, तो वो तो एक यू नो साहूकार या ट्रेडर के साथ जुड़ा हुआ, जो हमेशा गद्दी में बैठ के अपना धन मैनेज करता रहता है. लेकिन वो पेट ब्राह्मण से भी जुड़ा हुआ है, जिसका बड़ा तोंद होता है, क्योंकि वो सेडेंट्री लाइफ लीड करता है. ब्राह्मण मीन्स देयरफॉर सरस्वती नॉलेज, और वणिक मीन्स लक्ष्मी. तो ये दोनों जुड़े हुए हैं. अगर आप हाथ देखें तो उनके हाथ में अलग अलग चीज़ होते हैं, ज़्यादातर अंकुश होता है. अंकुश इज़ अ एलिफेंट गोड. तो एक पुश के लिए और एक पुल के लिए, सो इट रिप्रेजेंट्स बोथ पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ ए वेरी पावरफुल थिंग लाइक हाथी को. या उनके हाथ में एक्स होता है, जिसको परश कहते हैं. परश इज अ एक्स, और एक्स इज अ सिंबल ऑफ एनालिसिस, मतलब जिसको तोड़ना, संख्या जिसको कहते हैं, टू ब्रेक इट डाउन इनटू अ प्रॉब्लम टू स्मॉल थिंग्स. और दूसरे हाथ में पाश होता है, जिस इज अ स्ट्रिंग, जिससे आप बांधते हो, विच इज सिंबल ऑफ सिंथेसिस, मतलब किसी आइडियाज को जोड़ना. तो आइडिया को तोड़ना, आइडिया को जोड़ना. सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल आइडियाज हैं ये. तो एक तरफ परश और दूसरी तरफ पाश. और फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग है कि उनका चूहा, यू नो चूहा, चूहा अभी एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में, हम तो एग्रीकल्चरल कंट्री थे, खेती के देश है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फार्मर का सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी क्या है, चूहा. तो उस चूहे को, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम को, तो चूहा रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम को रोक के रखते हैं. अच्छा. तो ये एक आइडिया है. दूसरा, उनके जो पेट है उसके वहाँ पे एक नाग का पास होता है, तो एक बेल्ट मेड ऑफ स्नेक. अभी स्नेक इज गोइंग टू ईट द रैट, और गणेश के पास दोनों सुखी से रह रहे हैं. सो नोबडी इज अफ्रेड. ये प्रेडेटर है, वो प्रे है, तो प्रेडेटर को भूख नहीं है, बिकॉज वो गणेश जी के पास है, तो वो रैट के पीछे नहीं दौड़ रहा है. और रैट इज ऑल्सो कम्फर्टेबल कि ये मुझे नहीं खाएगा. एंड ही इज नॉट रनिंग आफ्टर ग्रेन्स ऑफ द फार्मर्स, तो वो भी सुखी है. तो बेसिकली इम्पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे कि प्रेडेटर प्रे दोनों साथ में रह रहे हैं. तो ये आइडियाज सब उस मूर्ति के अंदर एम्बेडेड है. देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ. डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप.